हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोना के स्वीट ब्लॉग। आज सोना के किचन में बनने जा रही है गर्मी की बहुत ही शानदार रेसिपी और बहुत ही लाइट रेसिपी, जिसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से बना के खा सकते हैं। गाइस, ये 5 से 10 मिनट में बनने के तैयार हो जाएगी, जो कि हमारी रेसिपी का नाम है अरहर दाल की खिचड़ी। देखिए गाइस, बना रहे हैं हम। गाइस, ये हमने ऑयल डाल दिया है अपने हिसाब से। अब इस तेल को हम गर्म हो रहे हैं। अब गर्म होने के बाद हम इसे तड़का लगाएंगे, जो कि ये रहा हमारा तड़का। गाइस, ये रहा 4 से 5 हमारी लाल मिर्चें हैं, 5 से 7 कली हमारी लहसुन की है, 1 बड़ी आड़ी प्याज है। इसे हम तड़के में डालेंगे जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा। और इसी के साथ बनने वाली एक रेसिपी हमारी जो है, इसी की रेसिपी में आएगी वो दही पकौड़ी की रेसिपी, वो जो कि इसी खिचड़ी के साथ खाई जाती है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। गाइस, ये उत्तर प्रदेश की डिश है जो कि फेमस है, हर घर में गर्मियों के टाइम बनती है। तो इस रेसिपी को हम लोग खिचड़ी और दही पकौड़ी के साथ खाते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया डिश होती है। गाइस, इसमें हम 4 से 5 तड़के के लिए हरी मिर्च भी डालेंगे, जिससे हमारा स्वाद बढ़ेगा। और चटनी भी खा सकते हैं इसके साथ हम, और अचार भी खा सकते हैं। गाइस, ये देखिए हम डाल रहे हैं लहसुन, डाल दिया मैंने, गर्म हो रहा है। और गैस को हमने तेज़ आँच पर कर दिया है, जिससे हमारा तड़का अच्छे से फ्राई होए। सो गाइस, ये हमारे लहसुन लाल हो चुके हैं। अभी इसी स्टेज पर हम प्याज डाल रहे हैं। अब हम प्याज को भी थोड़ा लाल होने के लिए डालेंगे तेल में अच्छी तरह से। अब हमारे प्याज अच्छी तरह से रेड ब्राउन हो जाएंगे तेल में। और गाइस, ये हमारे जो कि चावल हैं, आधी किलो चावल हैं और 1 पाव दाल है, क्योंकि ये 5 लोगों का खाना है। सो गाइस, ये हमारे प्याज और लहसुन अच्छी तरह से रेड हो चुके हैं। अब इसी टाइम हम इसमें लाल मिर्चा और प्याज डाल रहे हैं। लाल मिर्चा और हरी मिर्चा डाल दिए, सॉरी, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि हम न्यू यूट्यूबर हैं। देखिए, हमारे लहसुन प्याज भी रेड हो चुके हैं और लाल मिर्च और हरी मिर्च भी इसमें बढ़िया से फ्राई हो चुकी है। सो गाइस, ये रहा हमारा, देखिए गाइस, ये हमारा जो है खिचड़ी है, जो कि अरहर की दाल और चावल है। इसको अब हम डाल रहे हैं, धो लिया हमने इसको अच्छी तरह से, इसको अब हम डाल रहे हैं। 2-3 पानी से इसको हमने धो लिया, अब इसको हम डाल रहे हैं। इसको डालने के बाद गाइस, हम इसमें नमक डालेंगे। इसको गाइस मैंने अच्छी तरह से इसमें मिला दिया है तड़के में अपने। अब इसी स्टेज पर हम गाइस इसमें पानी डालेंगे। इसमें हम कितना पानी डालेंगे, कम से कम अपने हिसाब से डालेंगे पानी, जितना चावल उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी। इसमें गाइस मैंने 4 कुप्पी पकड़ के डाल दिया है, और आप अपने हिसाब से डालिएगा। अब गाइस इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, गर्मी में खाई जाने वाली रेसिपी है, ये दही पकौड़ी के साथ खाई जाती है। गाइस, इसमें मैंने 2-3 चम्मच भर के नमक डाल दिया है, और आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। सो गाइस, अब हम इसमें कुकर का ढक्कन लगाएंगे। सो गाइस, इसको अच्छी तरह से चला लेते हैं, ताकि इसमें मसाले और हमारी तड़का अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये। गाइस, अब इसमें ढक्कन लगा रहे हैं, और 3 सीटी या 2 सीटी तक हम इसे बनाएंगे, 3 सीटी आने तक। अब सीटी आने के तक हम इसे पकाएंगे 2 सीटी तक। दही पकौड़ी, ये रही इसके सामान। गाइस, मैंने धनिया ले लिया अच्छी तरह से धुल के, ये पुदीना ले लिया है, ये जीरा ले लिया, ये लहसुन ले लिया छिले हुए तड़के के लिए, वो 4 कली है लहसुन, और ये 3 मिर्चा है।
गाइस इसकी हम मिक्स करके चटनी बना लेंगे अपने दही दही के मसाले में तैयार करने के लिए। दही के मसाले में ये पड़ेगा जो मसाला पिसा हुआ है, इसको हम पीस करके अच्छी तरह से ले लेंगे। और ये रहा हमारे तड़के के लिए, और स्वाद अनुसार गाइस नमक ले लिया है। गाइस ये मैंने बेसन अच्छी तरह से फेंट करके ले लिया है, अब इसी की मैं पकौड़ी निकालूंगी। गाइस ये मेरा तेल गर्म हो गया, अब जो मैंने बेसन फेंट रखा था इसी में मैं छोटी छोटी पकौड़ी छानूंगी। दही में डालने के लिए हमारी पकौड़ी छान रही हूँ। गाइस देखिए मेरा बेसन कितनी अच्छी तरह से फूल गया है, पकौड़ी गोल गोल फूल करके ऊपर आ रही है ऑयल में अपने आप। शेप की गाइस कोई चिंता ना करिए, दही में जाने के बाद इसका टेस्ट बहुत लाजवाब होता है। सो गाइस ये मैंने पकौड़ी अपनी डाल दी है, अब इसको रेड बढ़िया ब्राउन सी हो जाएगी, इसको मैं फ्राई कर लूँगी अलट पलट के। सो गाइस देखिए मेरी पकौड़ियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं, इसको अब हम निकाल लेते हैं ऑयल से। सो गाइस देखिए हमारी चटनी तैयार हो रही है खिचड़ी से खाने के लिए, जो कि हम दही पकौड़ी के साथ खाएंगे। तो ये सिल में पारंपरिक तरीके से पिस रही है। पीसिए पीसिए दम लगा के। सो गाइस देखिए मेरी चटनी कितनी अच्छी तरह से पिस रही है। गाइस हमारे वहाँ बिल्कुल भी मिक्सी का प्रयोग नहीं होता, जिस चीज़ के लिए होता है उस चीज़ के लिए होता है, मगर चटनी वगैरह के लिए नहीं होता। चटनी तो हाथ की पिसी खाते हैं और हाथ से ही मज़ा आती है सबको पीस के खाने में। सो गाइस देखिए मेरी चटनी पीस के फाइनली तैयार हो गई खिचड़ी के साथ खाने वाली। अब मैं अपनी दूसरी चटनी पीसने जा रही हूँ, जो कि मेरी धनिया पुदीना हरी मिर्चे वाली है, जो कि हमारे दही में पड़ेगी। इसको अब हम निकालने जा रहे हैं, एक साफ बर्तन में मैंने इसको निकाल लिया। और इसमें हम अपने स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। सो गाइस ये हमारी चटनी पीसने जा रही है, जो कि हमारे दही पकौड़ी में पड़ेगी। सो गाइस अभी मेरी चटनी पीस रही है। रायते का मसाला है, समझिए ये पूरा रायते का, बहुत ही ठंडक लगता है इसको खाने के बाद। अब हमारी गाइस दही पकौड़ी भी अच्छी तरह से रेडी होने वाली है। सो गाइस मेरी एक सीटी आने वाली है, एक सीटी आ जाने के बाद दूसरी सीटी जो आएगी उसे मैं गैस ऑफ कर दूंगी। मेरी खिचड़ी तैयार है। सो गाइस ये हमारी दूसरी सीटी आ चुकी है, हमारी खिचड़ी तैयार हो चुकी है और हमारा मसाला भी पीसकर तैयार है। सो गाइस देखिए ये हमारा दही है आधा किलो, और जो मैंने चटनी पीसी इसको मैं इसको मिला रही हूँ।
सो गाइज देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से इसमें मसाला मिक्स कर दिया है। सो गाइज इसमें मेरा जो मैंने मसाला पीसा था सिल से वो बढ़िया से इसमें मैंने डाल दिया है। ये रहा गाइज हमारा दही। अब इसी में हम अपनी पकौड़ियाँ डाल देते हैं भीगने के लिए। गाइज देखिए मेरी पकौड़ियाँ कितनी फ्लफ़ी बनी हैं जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होंगी। गाइज इसको हम इसको 10 मिनट के लिए इसी में रेस्ट दे देंगे ताकि हमारी पकौड़ी फूल करके अच्छी तरह से हो जाए। सो गाइज ये देखिए मेरा तड़का है जिसको मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया तेल में, अपना लहसुन जीरा। अब गाइज दही पकौड़ी में हम तड़का लगा रहे हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे। सो गाइज देखिए मैंने ये तड़का डाल दिया अपना, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारा खाने में। गाइज ये मेरी दही पकौड़ी तैयार है, अब मैं प्लेट करने जा रही हूँ, प्लेट लगाने जा रही हूँ। सो गाइज ये रहा मेरी प्लेट जो कि तैयार हो चुकी है, खिचड़ी दही पकौड़ी एंड चटनी जो कि समर के लिए बहुत ही अच्छी डिश है, बना के खाइए, ट्राई ज़रूर करिए। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे सोना के स्वीट ब्लॉग में। गाइज आपको अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करें एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें एंड लाइक करें। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।